वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीज़र हाल ही में रिलीज़ हुआ है, जिसे फैंस द्वारा काफ़ी पसंद किया गया है। फिल्म का टीज़र सामने आने के बाद ही आलिया सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अब इस फिल्म में अजय देवगन की एंट्री हो गई है। इस फिल्म के लिए अजय देवगन शुक्रवार से शूटिंग करेंगे। आपको बता दें कि करीब 22 साल बाद अजय संजय लीला बंसाली के साथ काम करने जा रहे हैं। इसके पहले दोनों ने 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम में काम किया। बता दें कि फिल्म में अजय मुंबई के फेमस डॉन करीम लाला का किरदार में नजर आएंगे। ये तो हुई अजय देवगन की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में काम करने की बात। इसी बीच अजय को लेकर एक किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह किस्सा उस दौरान का है जब वे बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे थे। दरअसल अजय का असली नाम विशाल है। उन्होंने फिल्म प्यारी बहना 1985 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। शायद कम ही लोग जानते हैं कि अजय की शक्ल सूरत को लेकर लोग अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। एक बार उनके पिता वीरू देवगन ने उन्हें महेश भट्ट के पास ले गए थे, तो अजय को देख उन्होंने कहा था कि तुम्हारी आंखें अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए हैं। यह सुन अजय का हौसला बढ़ा था। एक बार अमिताभ बच्चन ने अजय को डार्क हॉर्स कहा था। इसका मतलब था कि अजय जीतने वाले घोड़े हैं। अमिताभ की इस बात को उन्होंने बखूबी साबित किया है। दोनों ने कुछ समय फिल्मों में साथ काम भी किया। अपकमिंग फिल्म मेडे में भी दोनों साथ में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।